खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से है, जहां ग्राम चुनकटा में चूना पत्थर खदान खोदने को लेकर जनसुनवाई हुई। बता दें कि यहां 1.58 हेक्टेयर भूमि में चूना पत्थर उत्खनन के लिए ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच लोक सुनवाई की खानापूर्ति हुई। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर अरविंद एक्का, SDM लोकेश ध्रुव, SDOP आशीष बंछोर, पर्यावरण विभाग के अफसर व स्थानीय अधिकारी भी मौजूद रहे। जनसुनवाई के दौरान गांव में चूना पत्थर उत्खनन के लिए खदान खुलने का पहले से दंश झेल रहे लोगों ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन ज्यादातर चुनकट्टा के ग्रामीणों ने इसका समर्थन किया। कमल अग्रवाल ने नई खदान खोलने के लिए आवेदन पेश किया। जनसुनवाई में पक्ष व विपक्ष में दावा आपत्ति भी ली। इस पूरे मामले में पर्यावरण संरक्षण विभाग निर्णय लेगा कि यहाँ खदान खोलनी चाहिए या नहीं। बता दें कि चुनकट्टा, मुड़पार, पतोरा, छाटा, गोंड पेडरी, अचानकपुर, दौर, परसाही, धौरा भाटा में चूना पत्थर खदान और क्रशर की भरमार है। खदान अब बस्ती तक पहुंच रही है। यहां खदानों के धमाकों से लोग पहले ही परेशान हैं, फिर चूना पत्थर खदान खोलकर लोगों को प्रदूषण में झोंकने की तैयारी की जा रही है। विरोध करने वाले ग्रामीणों का कहना है कि स्वीकृति प्रदान करने वाले अधिकारी एक सप्ताह इन गाँव में रहकर देखें कि हम ग्रामीणों की स्थिति कैसी है। खदान की स्वीकृति नहीं दिए जाने वालों ने अपने तर्क में कहा कि पहले जिन खदानों में पर्यावरण स्वीकृति दी गई उनमें से ज्यादातर में नियमों का पालन नहीं किया जाता। ब्लास्टिंग के दौरान कई बार पत्थर घरों में गिरते हैं, ब्लास्टिंग के दौरान भूकंप के झटके भी महसूस होते हैं। जी, मैं चंचल चंद्रकांत यादव, गांव सेलूद के उप सरपंच हूँ। और पिछले बार हमारे 16 तारीख को जन सुनवाई सेलूद में भी हो रही है। मैं कुछ दिन के लिए स्वास्थ्य ठीक नहीं रही, बाहर गए रहे हूँ। अभी जन सुनवाई हो रही है, ये लोग सब चोर हैं, अधिकारी से लेके सब बिकते हैं। कैसे खरीदा जाता है मेरे बाद में पता चला है। खदान खुलने में कोई कोई दिक्कत नहीं है, खदान खुलना चाहिए, रोजगार हर एक व्यक्ति को मिलता है ना, इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी वाला बात नहीं है। लेकिन इसके आड़ में जो हैवी ब्लास्टिंग होता है, कोई मर रहे हैं, किसी घर टूट रहा है, दरार आ रहा है, मैं वहाँ भी विरोध किया था इस चीज़ को, आज भी विरोध करता हूँ हैवी ब्लास्टिंग का। शरद कुमार, ग्राम चुनकट्टा से हूँ। हाँ बता, आप लोग यहाँ जन समस्या में पहुँचे हैं क्या? समस्या में अपने को बहुमत है। नाम मेरा शरद कुमार, चुनकट्टा से हूँ मैं। चेतन कुमार साहू, यहाँ पे हम लोग का ना घर 50 मीटर के दूरी पे है। अब हम लोग ना यहाँ से कैसे गुंजाइश कर रहे हैं, हम लोग को पता है। आज भी आप जाके देख सकते हो वहाँ कितना खदान खुला है। खेती किसानी में कितना सर? खेती किसानी नहीं है सर, पूरा हड़प दिए हैं, रेट भी नहीं दे पाते यहाँ पे। तो यहाँ किसी प्रेशर में आप लोग पहुँचे हैं? प्रेशर के ही दौरान हम लोग यहाँ आए हैं। किस तरह का मजबूरी है एकदम? अब हम लोग को मजबूरी है कि आधे लोग गांव के तो समर्थन में दे रहे हैं, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग को तो मजबूरी है, 50 मीटर के दूरी में अपना घर है। मेरा नाम नोहरलाल चंदेल है, मैं ग्राम चुनकट्टा का रहने वाला हूँ। खदान खुलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और गांव वाले को भी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पब्लिक को परेशानी इस बात का है कि रोड में चलने वाले गाड़ी, धूल धक्कड़, ये सब चीज़ के लिए पानी वानी डालने के लिए, और क्या बोलते हैं, क्रेशर का भी है, पूरा रोड में जाते हैं पूरा धूल। बाइक वाइक का तो पूरा एक्सीडेंट होता रहता है इधर, तो इसीलिए खदान खुलने से पहले पानी वानी अपना सेफ्टी से खोले भैया खदान। कोई सुरक्षा नहीं करते भैया, ना हेलमेट देते हैं, ना टोपी देते हैं, ना सेफ्टी का कोई ध्यान नहीं रहता, कोई ध्यान नहीं रहते लोग को। बस खाली ब्लास्टिंग कर दिए, वो दो आदमी उधर भेजे, दो आदमी इधर भेजे और दो चार उधर भेज दिए, हो गया ब्लास्टिंग। और क्या बोलते हैं उसको, सेफ्टी बेल्ट ना दिए, सेफ्टी